अस्सलाम वालेकुम जी। इस छोटी सी वीडियो में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपने एग्जैक्टली रट्टा मार के याद रखने हैं। तो पॉइंट नंबर 399 फ्रॉम द रेफ्यूला पास पेपर सेइंग दैट रप्चर ऑफ मीजोडर्म क्रेनियली रप्चर ऑफ मीजोडर्म प्रोड्यूस एक्टोपिक एनल कनाल एंड पॉइंट नंबर 400 रप्चर ऑफ मीजोडर्म कॉर्डली प्रोड्यूसिंग एक्सट्रोफी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो क्रेनियली अगर रप्चर होगा तो क्या होगा, एक्टोपिक एनल कनाल होगी, और अगर कॉर्डली रप्चर हो जाएगी मीजोडर्म तो क्या कहलाएगा, ये होगा एक्सट्रोफी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और एक्सट्रोफी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिनरी कैंसर्स, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर्स या कार्सिनोमास को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। तो एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स। देन क्वेश्चन नंबर 401 कहता है स्पेस बिटवीन द स्प्लांचिक एंड द सोमैटिक मीजोडर्म इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम या एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन। तो दो मीजोडर्म्स हैं जो स्प्लांचिक और सोमैटिक मीजोडर्म, इन दोनों के दरमियान की स्पेस एक सीलोम होती है जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ठीक है, अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम्स होती हैं या जो मीजोडर्म्स होती हैं ये हाइपोब्लास्ट से बनती हैं। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने बात कही थी कि जितनी भी एक्टोडर्म्स होती हैं, एपिब्लास्ट होती हैं, वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को बनाने में हेल्प करती हैं, लेकिन जितने भी मीजोडर्म्स होते हैं और जितनी भी सीलोम्स होती हैं वो हाइपोब्लास्ट से बनती हैं। तो सीलोमिक मेम्ब्रेन हो या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म की सीलोम हो, ये बनेगी हमेशा हाइपोब्लास्ट से या एंडोडर्म से। तो क्वेश्चन नंबर 401 द स्पेस बिटवीन द स्प्लांचिक एंड द सोमैटिक मीजोडर्म इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। The exosilomic membrane is derived from hypoblast. Extra embryonic mesoderm is also derived from hypoblast. And intra embryonic coelom is derived from lateral plate mesoderm. तो क्वेश्चन नंबर 401 थोड़ा ज़्यादा मैस क्रिएटिंग क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसका रट्टा लगाना है इनकेस एग्जाम में आता है तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर।